नमस्कार, मैं संदीप कसलकर। ब्लॉकचेन और पर्यावरण एपिसोड के पार्ट वन में हमने बात की उन कुछ पर्यावरणीय गेम चेंजर्स के बारे में जो ब्लॉकचेन की दुनिया में मौजूद है। ऐसे में अब इसे आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे पार्ट में हम आज कुछ चुनिंदा इनोवेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पर्यावरण में हो रहे बदलाव को टैकल कर रहे हैं। तो आइए डालते हैं इन पर एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं पावर लेजर के बारे में। ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पावर लेजर ब्लॉकचेन में मौजूद पावर का एक बड़ा उदाहरण है। इतना ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जनरेशन को अनलॉक करने की अपनी क्षमता की वजह से बेहद रोमांचक भी है। ये सिस्टम एक ऐसे मार्केट प्लेस के रूप में फंक्शन करता है, यानी जिनके छतों पर सोलर पैनल्स है उन्हें प्रोज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स प्लस प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। इस तरह से वो अपने पड़ोसियों को एक्सेस एनर्जी भी बेच सकते हैं, जबकि इससे उलट ट्रेडिशनल एनर्जी सिस्टम्स सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन पर निर्भर होने के साथ फिक्स प्राइसेस के साथ आते हैं, जिनकी देखरेख लार्ज यूटिलिटी कंपनीज द्वारा की जाती है। इसमें रियल टाइम में प्राइसेस को सेट करना और ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शंस को लागू करना भी शामिल है। इस तरह से ये सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं और स्टेट्स को अनसस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सी डाओ के बारे में। स्पेन बेस्ड फ्लेक्सी डाओ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहा है, जो एक सक्सेसफुल लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए एक बहुत ही जरूरी टर्म है। एनर्जी सोर्स ट्रेसिंग का करंट सिस्टम सर्टिफिकेट्स पर डिपेंड करता है, जो आर बाय आर ग्रिड की फिजिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे में फ्लेक्सी डाओ इन्हीं प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए सर्टिफिकेशन ट्रांसपेरेंट है, डिटेल और रियल टाइम में काम भी कर रहे हैं। इस इनोवेशन को अच्छी तरह से रिसीव किया गया है और फ्लेक्सी डाओ ने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वोडाफोन जैसे ग्लोबल जायंट्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब जानते हैं मॉस अर्थ के बारे में। ब्राजीलियन मॉस अर्थ ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए कार्बन सर्टिफिकेट्स की ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की गारंटी देकर कार्बन ऑफसेटिंग प्रोसेस को सिंपल बनाया है। मॉस ने स्मॉल फॉरेस्ट एरियाज में गवर्नेंस और इकोनॉमिक राइट्स को NFTs में टोकनाइज किया है, इसलिए इंडिविजुअल्स और कंपनीज मॉस के जरिए Amazon NFT खरीद सकते हैं और जंगल के एक टुकड़े को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मॉस ने कार्बन क्रेडिट्स को MCO2 टोकन में शामिल किया है, जो कॉइनबेस, जेमिनी और यूनिस्वैप जैसे कुछ सबसे बड़े ग्लोबल एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। अब बात करते हैं सन एक्सचेंज के बारे में। साउथ अफ्रीका बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप सन एक्सचेंज इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी शख्स को ऑनलाइन सोलर पैनल्स खरीदने और उन्हें अफ्रीका में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिजनेसेस और दूसरे कंपनीज को रेंट पर लेने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, सन एक्सचेंज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को करने के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है। इस तरह से ये इन्वेस्टर्स और बेनिफिशियर्स के बीच किसी भी पोटेंशियल इंटरमीडिएट्स को इलिमिनेट कर देता है। इस ऐप के एडवांटेज और सोलर पैनल परचेस में आसानी से दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों ने अपनी एनर्जी कॉस्ट में लगभग 30% की कमी लाई है। DLT टेक्नोलॉजी एक सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली सप्लाई चेन के लिए ब्लॉकचेन सबसे महत्वपूर्ण इस सवाल में से एक है। ऐसे में DLT टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स को ट्रैक करने के लिए आइडियल है और सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंट बनाकर इनफिशियंसी और वेस्ट को रोकने में मदद करती है। DLT टेक्नोलॉजी कंज्यूमर्स को बेहतर तरीके से सूचित करने की अनुमति देती है कि प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया और शिप किया गया है। इससे किसी को भी एनवायरमेंटली फ्रेंडली चॉइसेस करने में मदद मिलती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक नई ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंट बनाने पर केंद्रित है। ये एक पब्लिक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जिसे डेवलपर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पार्टिसिपेंट्स को कई मार्केट्स में अपनी रजिस्ट्री, लेजर और एक्सचेंज कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करने के लिए मटेरियल बिजनेस बेनिफिट्स प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। रिसाइकलिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक का एक क्षेत्र जहां ब्लॉकचेन का सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है वो रिसाइकलिंग है। ब्लॉकचेन पर रिसाइकलिंग प्रोग्राम को लागू करके ऑर्गेनाइजेशंस क्रिप्टोग्राफिक टोकन के रूप में लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। ये प्लास्टिक के कैंस, बॉटल्स, कंटेनर्स आदि जैसे रिसाइकलेबल्स चीजों के डिपॉजिट करने के बदले में हो सकता है। ये कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट जैसे एसेंशियल डेटा को ट्रैक करने में मदद करता है और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले किसी इंडिविजुअल या कंपनी के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने में भी मदद करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं।
एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनीज एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने की दिशा में काम कर रही है जो समुद्र के प्लास्टिक को मोनिटाइज करने में मदद कर सकता है। ये कंपनी तीसरी दुनिया के देशों में सक्सेसफुली कलेक्शन सेंटर्स को सेट करके अपनी सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट के जरिए प्लास्टिक को करेंसी में बदल देती है। इस तरह से लोगों को कैश बेनिफिट्स, फोन चार्जिंग करने और बहुत से अलग अलग इंसेंटिव्स के बदले इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को डिपॉजिट करने की अनुमति देता है। ऑर्गेनाइजेशंस अब एक ब्लॉकचेन पावर्ड एप्लीकेशन पर काम कर रहा है जो यूजर्स को क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स के लिए प्लास्टिक एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। तो ये रही आपके और हमारे बेहतर भविष्य के लिए ब्लॉकचेन की मदद से की जाने वाली तैयारी। ऐसे ही ब्लॉकचेन और एनवायरमेंट की तरह दूसरे क्रिप्टो स्पेस के जुड़ी अन्य खबरों को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए।